नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुभाष चंद्रा। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। आज हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि साइटिका आखिर है क्या। देखिए, अभी आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में हैं और मुझे बहुत खुशी है इस बात से कि आपका ये चैनल बीमारियों से संबंधित है और जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले आपने पूछा साइटिका के बारे में, तो ये हम लोग समझ लें कि साइटिका वर्ड जो ये आया है, ये सियाटिक नर्व से, ये कमर से पैर तक जाने वाली एक नस है जिसके कारण कमर में दर्द होता है और वो पैरों में दर्द नीचे तक जाता है। जिस जगह पर उसको दबाव होता है उतनी दूर तक वो दर्द महसूस होता है। तो इसी यही है सैटिका, जो सैटिक नर्व के अलोंग जो पेन होगा उसी को हम लोग सैटिका बोलते हैं। ये तो एक कॉमन मैन के टर्म में सैटिका है, और लेकिन डिजीज़ डॉक्टरी नाम में इसको प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, कोई आदमी इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं, कोई गाँव घर में इसको चोरा भी बोलते हैं। तो ये सैटिका इसी वो कहते हैं। अगर इसके शुरुआती लक्षण की बात की जाए तो शुरुआती लक्षण क्या दिखाई देते हैं शरीर पे, जो एक व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसे वो साइटिका की चपेट में है। देखिए, सब शुरुआती लक्षण तो ये है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति झुक करके कोई सामान उठाया चाहे कुछ कर रहा है, तो उसके सियाटिक नर्व के पास जो न्यूक्लियस पल्पोसस एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वो वहाँ से निकल करके प्रोलैप्स करके सियाटिक नर्व को दबाने लगता है, नर्व रूट को दबाता है। तो इसके प्रारंभिक लक्षण कमर के पास दर्द, और दर्द बना रहता है, फिर कभी कभी ये दर्द ठीक हो जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद फिर ये दर्द हो जाएगा जब आप खुद झुक करके काम करेंगे। तो इस तरह से ये दर्द ठीक होता रहेगा और फिर उसको उसका रिकरेंस होता रहेगा। तो प्रारंभिक लक्षण में दर्द जो है कमर के पास ही रहता है, बहुत अधिक नहीं होता है, लेकिन अगर इसको हम लोग चिकित्सक से उसी वक्त दिखा करके बात करें तो चिकित्सक समझते हैं इसको और उसकी एहतियात, उससे बचने का उपाय वगैरह बताते हैं, तो आदमी को बहुत मरीज को फ़ायदा होता है। तो जान लें संक्षिप्त में कि इसके प्रारंभिक लक्षण कमर में दर्द होना है, और उसके बाद जब ये और अधिक बढ़ता है, उस पर दबाव अधिक बढ़ता है, तो उसको वो दर्द दाहिने तरफ या बाएं तरफ या दोनों तरफ, वो नीचे पैरों में पीछे की ओर से नीचे पैर की तलवे तक जाता है, तो इसको रेडिएशन हम लोग कहते हैं कि ये रेडिएट कर रहा है पेन। जैसे अगर एक एग्जांपल दिखाएं, ये जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वर्टिब्रा के बीच का, और इसके बीच में ये मटेरियल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का न्यूक्लियस पल्पोसस। ये एक तरल पदार्थ की तरह होता है, ये बॉडी में शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, लेकिन यही अगर अपने जगह से थोड़ा सा हट के इधर निकल जाता है, हर्निएट कर जाता है, तो इससे ये कमर के दर्द का शुरुआत होता है। अगर इतना पर भी आदमी चौकन्ना नहीं हुआ और इसका प्रिकॉशंस नहीं लिया, तो ये और आगे बढ़ करके ऐसे चलाता है, इसके पास नर्व रूट वगैरह को ये दबाने लगता है, तो ये जो जिस तरफ निकलेगा, अगर दाहिने तरफ है तो दाहिने तरफ का दर्द होगा, बाएं तरफ में अगर है तो बाएं तरफ दर्द होगा, और यही दर्द नीचे पैरों तक जाता है। तो ये संक्षिप्त में सियाटिका के लक्षण और उससे लक्षण हैं और क्यों होता है, इन मॉडल के तरह हम लोग अच्छे तरह से समझ सकते हैं। अगर बात करें कि जब बच्चे खेल कर आते हैं तो घर वाले उन्हें बोलते हैं कि तुरंत खेल कर आने से जब उन्हें पसीने से लथपथ रहते हैं तो तुरंत पंखे में नहीं बैठना चाहिए, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका तो ये कारण है कि बॉडी जो है खेल के आए तो उसमें तापमान होता है, और अगर उसको एक्लिमेटाइज नहीं किए, नॉर्मल नहीं किए और तुरंत एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड को होता है, तो फिर उसको किसी भी जुकाम वायरल फीवर के लिए उसकी इम्यूनिटी कम होती है और वायरल फीवर के शिकार हो जाते हैं।
तो इस तरह से वायरल इन्फेक्शन लग जाता है। तो इसलिए बताया जाता है कि अगर कोई खेल के आ रहा है तो उसे थोड़ा देर एक्लिमेटाइज होने के लिए छोड़ना चाहिए और फिर उसको ठंडे नहाना है, चाहे ठंडे वातावरण में जाना है या ठंडा पानी पीना है, तो ये उसको एक समय देना चाहिए, तुरंत नहीं करना चाहिए। अगर बात करें कि जब किसी को साइटिका हो रहा है तो उसको क्या घर पे ही उस ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जैसे कुछ घरेलू उपाय हैं, कुछ खान पान में बदलाव करने हैं, तो क्या इससे ठीक हो सकता है? देखिए, इसको घर पे शुरुआती दौर पे तो ज़रूर ठीक किया जा सकता है। जैसे आप आगे नहीं झुक रहे हैं, आप अपने को तन करके बैठे हैं और कुछ दवाइयाँ डॉक्टर के सलाह से ले सकते हैं, रेस्ट लेंगे तो ये दर्द आराम हो जाएगा, ये अपने आप भी आराम हो जाएगा 2-3 दिन के। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये होगा तो 2-3 दिन से अधिक दिनों तक रहेगा, 1 हफ्ता रहेगा, 10 दिन रह सकता है। तो ये आपको रेस्ट लेने घर पर, इसकी शुरुआती दौर पर आप इसको ठीक कर सकते हैं। आगे झुकने से अपने को रोक लेंगे तो ये हो सकता है। अगर बचाव की बात करें तो आप हमारे दर्शकों को बचाव के बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, साइटिका से अगर बचना है तो आपके स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि आपको हमेशा रेगुलर वे में एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करिएगा तो आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। आप देखते होंगे सर्कस में बच्चियाँ कितने आगे झुक जाती है, पीछे झुकती है, उसको कोई सियाटिका नहीं होता है। लेकिन हम लोग कोई रेगुलर एक्सरसाइज में जो लोग नहीं रहते हैं, एक जगह बैठ करके काम करते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर जो हैं वो कोप अप नहीं कर पाता है किसी भी एडवर्स सिचुएशन का, और वहाँ से वो ब्रेक करके हर्निएट कर जाता है। तो इस तरह से अगर हम बचाव की बात करते हैं तो एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, और अगर आपको हो गया तो आप इसको फॉरवर्ड बेंडिंग को अवॉइड करना है कि आगे नहीं झुके, 3 हफ्ते का कम से कम रेस्ट लें, कमर में बेल्ट पहने, कुछ दवाइयाँ खाएँ, कुछ नस की दवाएँ खाएँ, तो ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इतना से भी नहीं हो रहा है आपको, और जो हर्निएट किया है, जो डिस्क मटेरियल ज़्यादा दबाव दे रहा है, तो उसको सर्जरी के रूप से, सर्जरी से हम लोग उस दबाव को हटा देते हैं तो फिर आराम हो जाती है। यहाँ तक कि ऑपरेशन के होते होते तक भी उसको आराम मिल जाता है, और जस्ट ऑपरेशन के पहले उसको बहुत तकलीफ था, ऑपरेशन के बाद आया और काफ़ी आराम मिल जाता है, क्योंकि उसकी दर्द को, उसके जो नस पे दबाव है उसको हटा दिया जाता है और वो आराम हो जाता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी सारी जानकारी हमारे साझा की। ठीक, धन्यवाद। तो आप डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सुन रहे थे, जिन्होंने साइटिका के बारे में इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।